मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी सर्वसम्मति से आतिशी जी को दी गई है। इन्होंने ये कोशिश की कि अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर इस्तीफा दे दें और सरकार को गिराया जा सके। विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी, जिस बैठक में दिल्ली के अगले चुनाव तक मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी सर्वसम्मति से आतिशी जी को दी गई है। ये जो जिम्मेदारी दी गई है, आप सब जानते हैं कि एक विषम परिस्थितियों में ये जिम्मेदारी देनी पड़ी है, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने, पूरी भारतीय जनता पार्टी ने, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने षड्यंत्र करके, एजेंसियों का दुरुपयोग करके आम आदमी पार्टी को खत्म करने का, दिल्ली की सरकार को देश के अंदर जिस तरह से सरकारों को तोड़ा गया उसी तरह से दिल्ली की सरकार को भी तोड़ने का जिस तरह से अभियान चलाया, उन सभी अभियानों को फेल करते हुए आम आदमी पार्टी ने अपनी एकजुटता को, विधायकों की एकता को, सरकार की स्थिरता को और सरकार के कामों को जारी रखा। इन्होंने ये कोशिश की कि अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर इस्तीफा दे दें और सरकार को गिराया जा सके, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के लोगों के हितों के लिए, दिल्ली के लोगों के काम को जारी रखने के लिए निर्णय लिया कि जेल के अंदर हम इस्तीफा नहीं देंगे और जेल से सरकार चलाएंगे, और उन्होंने सरकार चलाई। लेकिन जेल से आने के बाद उन्होंने निर्णय लिया कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की जो सबसे बड़ी ताकत है ईमानदारी की ताकत, उसी ईमानदारी की ताकत से अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के लोगों के लिए वो काम किया जो आज तक इतिहास में भारत की कोई राज्य सरकार नहीं कर पाई।